बोर्ड की एग्जामिनेशन दे दी, लेकिन अब आगे समझ में नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या, बीकॉम करूं या बाफ करूं, ये तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों आज आपका दोस्त आपको बताने वाला है कि आपको बाफ करना चाहिए कि बीकॉम करना चाहिए। तो ये बताने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं बीकॉम और बाफ के बारे में। देखो बीकॉम क्या होता है आपका, बीकॉम इज नथिंग बट योर बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। वही पर जब मैं बाफ की बात करूं तो बाफ क्या होता है, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब ये दोनों ही जो कोर्सेज है इनको कंप्लीट करने में आपके 3 साल का टाइम लगता है, जो बट ऑब्वियसली बात है जो नॉर्मल कोई भी डिग्रीज होती है जितना ड्यूरेशन लगता है आपके कॉमर्स की किसी भी डिग्री को करने के लिए सेम ड्यूरेशन इनको भी क्या लगता है। यहां पे मैं थोड़ा बीकॉम के बारे में बात करूं, बीकॉम कोई आपका स्पेशलाइज कोर्स नहीं है, यानी ये क्या है, नॉन स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। वही अगर मैं बाफ की बात करूं तो बाफ आपका स्पेशलाइज कोर्स है। अब यहां पर अगर बात करूं तो बीकॉम अगर आप लेते हो तो बीकॉम में आपको पढ़ने क्या मिलता है। देखो बीकॉम में अगर मैं बात करूं तो आपके कॉमर्स की जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है, जैसे अगर मैं बात करूं लॉजिस्टिक्स हो गया, आपका एचआर हो गया, फिर उसका ऑडिटिंग हो गई, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, ये सारी चीजों के बारे में आप क्या करते हो बीकॉम में पढ़ते हो। वही अगर मैं बाफ की बात करूं तो बाफ में आप देखोगे, देखो नाम में ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो आपको इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला है ये संभव किससे रिलेटेड होगा, आपके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड होगा, ठीक है। आपके अकाउंटिंग और फाइनेंस से क्या ये रिलेटेड होगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बीकॉम करना चाहिए या बाफ करना चाहिए। देखो अगर आप ऑन एन एवरेज अगर बीकॉम अगर आप करते हो तो आपकी जो सैलरी हो सकती है वो 1 लाख से लेकर 10 लाख के क्या बीच में आप क्या अर्न कर सकते हो, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बाफ की बात करूं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 3 लाख to 10 लाख की क्या सैलरी होगी आप, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं स्पेशलाइज कोर्स कर रहे हो तो यानी आप एक एक्सपर्ट बन जाते हो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। तो आपको इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाता है, लेकिन बीकॉम में आप क्या कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं ग्रैब कर पाते हो, आप सारी चीजों के बारे में बस थोड़ा करके बहुत ज्यादा क्या नॉलेज हो जाती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बीकॉम करना है या फिर बाफ करना है। तो देखो मेरा सजेशन क्या होगा, अगर मैं आपके आपके पोजिशन पे रहता तो मैं क्या, देखो अगर मुझे पर्टिकुलर मुझे क्लियर चीज है कि मुझे क्या करना है, मुझे अकाउंटिंग और फाइनेंस में ही मेरा क्या करियर बनाना है आगे चल के, मेरा फुल डिसाइड कर लिया फुल प्लेज मुझे इसी में करियर डिसाइड करना, तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, और मैं क्या करूंगा बाफ अपना ये कोर्स क्या डिसाइड कर लूंगा। अब मैं कैसा बंदा हूं जिसे अभी तक कुछ सोचा ही नहीं, आएगा ना भाई यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकलेगा तब भरना है तब सोचेंगे, क्या टेंशन है अभी कुछ नहीं सोचेंगे। तो अगर आप ऐसे हो आपको नहीं पता कि आगे आपको करना क्या है, आपने डिसाइड ही नहीं किया, तो भाई चुपचाप क्या ले लो बीकॉम ले लो, ठीक है। क्योंकि यहां पर आपको अलग अलग सारे जो एस्पेक्ट्स है इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर आप उसके आगे क्या कर सकते हो, अगर आपको किसी कोर्स में इंटरेस्ट जाग जाता है तो आप क्या कर सकते हो उसका मास्टर्स कर सकते हो साथ में, ठीक है। अब जो बाफ वाले तो बाफ वाले को तो क्लियर है भाई कि मुझे क्या करना, मुझे अकाउंटिंग और फाइनेंस में, तो उसके इसके अंदर क्या करेंगे अपना मास्टर्स करेंगे, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं तो आप बीकॉम के लिए जा सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए कि आप बीकॉम ले या फिर बाफ ले, आप दोनों में से कोई भी कोर्स ले सकते हो, कोई भी मैटर नहीं करता, दोनों ही बहुत अच्छे कोर्स है दोस्तों, आप ग्राप कर सकते हो। हालांकि ट्रेंड में जो स्पेशलाइजेशन कोर्स है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन बीकॉम भी अपने ही में ही एक बादशाह है दोस्तों, ठीक है। आप इसे भी ग्राप कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है। और भी अगर आप किसी और कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि हम आपकी बीकॉम के बारे में फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें या फिर बाफ के बारे में फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, BAMS हो गया BBA हो गया, अगर इसमें इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट करो, और आप कौन सा कोर्स करने वाले हो आगे वो भी आप कमेंट करो ताकि हमें पता चले तो आगे की आपकी प्लानिंग हम उस तरह से क्या कर सके दोस्त। तो आई होप आपको चीज समझी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लिए क्या लेकर आ सके दोस्तों।